2019 के आम चुनावों के लिए अब कुछ ही हफ्ते शेष बच गए हैं। उम्मीदवारों की सूची के साथ साथ आने वाली पार्टियों को सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर मतदाताओं से कड़ी जांच का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके साथ ही अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अपनी पार्टियों के लिए वोट जुटाने के लिए कड़ी मेहनत करने में पार्टी के विचारक और कार्यकर्ता भी जद्दोजहद में लग गए हैं। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी के विचारक और राहुल गांधी के करीबी सहयोगी माने जाने वाले तहसीन पूनावाला ने ये ट्वीट किया। तहसीन ने अपने ट्वीट में मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के गृह मंत्री बनने की ओर संकेत किया है, अगर यूपीए 2019 के चुनावों में विजेता बनकर उभरती है तो। दिग्विजय सिंह, जो 16 साल बाद भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, ये सीट 1989 से भाजपा का गढ़ रहा है। चलिए अब जान लेते हैं कि क्यों दिग्विजय सिंह एक गृह मंत्री के रूप में देश के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं हो। तो ये दिग्विजय सिंह ही थे जिन्होंने हिंदू धर्म पर असंवेदनशील टिप्पणी दी थी। दिग्विजय सिंह ने ही हिंदू टेररिज्म यानी कि हिंदू आतंकवाद की बात की थी। इसके बाद खुद कांग्रेस पार्टी को दिग्विजय सिंह के बचाव में उतरना पड़ा था। हिंदू धर्म वाले आतंकवादी पकड़े गए हैं, हिंदू धर्म वाले आतंकवादी पकड़े गए हैं। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों पर बहुत ही असंवेदनशील टिप्पणी भी दी थी। दिग्विजय सिंह ने पाकिस्तानी संगठनों पर हमला करने के बजाय इसे आरएसएस की आंतरिक साजिश बताया था। आरएसएस रजिस्टर्ड संस्था है क्या, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कोई पंजीकृत संस्था है आरएसएस? उसकी मेंबरशिप ही नहीं तो किसको बोले? रजिस्टर्ड नहीं। आप पुराने बयान पे कायम हैं? मैं आज कायम हूँ कि जितने भी हिंदू धर्म वाले आतंकवादी पकड़े गए हैं, सब संघ के कार्यकर्ता रहे हैं किसी न किसी। महात्मा गांधी की हत्या करने वाला व्यक्ति भी नाथूराम गोडसे आरएसएस में रहे हैं। तो ये विचारधारा जो है नफरत फैलाती है, नफरत से हिंसा पैदा होती है। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने इस हमले की जिम्मेदारी ली, यहाँ तक कि भारतीय सुरक्षा बलों ने 10 आतंकवादियों में से एक अजमल कसाब को भी गिरफ्तार किया था। लेकिन दिग्विजय सिंह के लिए ये आरएसएस की ही एक आंतरिक साजिश थी। मतलब दिग्विजय सिंह की कथनी के लिए जितनी भी उनकी निंदा की जाए उतनी कम है। इसके बाद कांग्रेस के मीडिया चेयरपर्सन जनार्दन द्विवेदी कांग्रेस के बचाव में आए, उन्होंने पार्टी को दिग्विजय के रूप से अलग कर दिया। आगे बढ़ते हैं। दिग्विजय सिंह ने 2008 के बटला हाउस ऑपरेशन पर अपनी विवादास्पद टिप्पणी को लेकर भी चर्चाओं में आए थे। बटला हाउस एनकाउंटर 2008 के सितंबर में दिल्ली में हुआ था, जिसमें सुरक्षा बलों ने कई भारतीय मुजाहिदीन आतंकवादियों को मार गिराया था। इस इनकाउंटर में 30 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और 100 से अधिक लोग घायल भी हो गए। दिग्विजय सिंह ने अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करते हुए ऑपरेशन पर सवाल उठाया और इसे फेक इनकाउंटर यानी कि फर्जी मुठभेड़ बताया। Of the ISIS, which has come out, and where we can see Bada Sajid, who had disappeared after the Butler House encounter. So there is a deep sense of resentment among the people, and they feel betrayed. After you had said at that time that Butler House encounter was fake, what do you think about this, sir? Do you think you have betrayed the people of India? So first of all, I always said it was a false encounter, and I still hold by that. It is for the investigative agency to prove that. इसके बाद खुद कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को इस टिप्पणी से दूर कर लिया। तो अगर हम दिग्विजय सिंह का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो सबसे पहली बात तो वो गृह मंत्री बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। राष्ट्र सुरक्षा के मसले पर और हिंदुओं के लिए जो दिग्विजय सिंह का मत रहा है, अगर हम वो देखेंगे तो ऐसा सोचना कि वो गृह मंत्री बनेंगे किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा।